आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले अलीगढ़ महानगर की पाश कॉलोनी एडीए कॉलोनी रामघाट रोड फेस वन में नगर निगम की लापरवाही से भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से जनता परेशान हो रही है। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे 3-4 दिन से ये ट्यूबवेल फूका हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। नई ट्यूबवेल से समय पानी आ रहा है, जिसकी की चौड़ाई 3 इंच का पाइप है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। कैपेसिटी बहुत कम है, टंकी उस पानी उससे पाइप से नहीं भर पाती, तो पानी हमें मुश्किल से 15 मिनट से आधा घंटा केवल डेली मिल पा रहा है, जिससे कि हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही। और फर्स्ट फ्लोर पे तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाता पानी। आपने पहले भी नगर निगम में कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई दी है? नगर निगम पे हमने टेलीफोन से जूनियर इंजीनियर को और जीएम साहब को हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई उससे समाधान नहीं निकला। अभी तक आपको किसी भी तरह का समाधान नहीं मिला है? जी नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, या तो ट्यूबवेल अलग से बने नया, या अभी इसी को सुधार किया जाए, रिपेयर किया जाए, मशीन लगाई जाए, या खुदाई की जाए, या हमें पानी की पूर्ति चाहिए, समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। मेरा नाम शशि सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अवंतिका फेज वन में ही रहती हूँ। किस तरह की समस्या है मैम? हम लोग को यहाँ पानी की इस समय समस्याएं तो हैं और भी, लेकिन इस समय पानी की मुख्य समस्या है। हम लोग के यहाँ 10-15 मिनट को पानी आ रहा है, और वो भी टंकी हमारे घर से दूर है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम फ्लो हो जाता है, तो मुश्किल से 15-20 मिनट में एक बाल्टी भर पा रही है, इतना कम पानी आ रहा है। और जब तक कोशिश करो तब तक वो पानी चला जाता है, तो हम लोग को हाथ से अब धोना पहले पड़ता था। अब कॉलोनी में कोई हैंडपम्प नहीं है, सारे हैंडपम्प खराब पड़े हैं, कोई और सुविधा नहीं है। अगर किसी तरह नगर निगम टैंकर भी भेज दे तो ऊपर वाले लोग कैसे, महिलाएं कैसे पानी ले जाएंगी, और गर्मी की वजह से पानी की बहुत समस्या। कितने दिनों से ये समस्याएं चल रही हैं? ये 4-5 दिन हो गए हैं। तो मैं क्या चाहती हैं आप? जैसे कि आप एक महिला हैं और घर में पानी के बिना तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर काम के लिए पानी चाहिए, और जैसे कि कहते भी हैं जल ही जीवन है, तो जल के बिना आप कैसे कार्य कर रही हैं अभी फिलहाल में? उसी में तो चला रहे हैं हम लोग को, चूंकि आदत है हम लोग के मन में, ये है भावना शुरू से कि हमें कम से कम पानी खर्च करना चाहिए, तो हम उस हिसाब से धीरे धीरे चला ले रहे हैं किसी तरह। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मैं और लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो लोग पेड़ धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, वो लोग पानी का उपयोग कम से कम करें, ताकि सबको पानी मिल सके। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी हो, तो क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए थोड़ी इतनी सुविधा कर दें, ट्यूबवेल ठीक करवा दें, और अगर उसका लेवल नीचे गया है तो उसको और नीचे तक पहुंचा दें।